मध्य प्रदेश के सागर में हो रहे नगर परिषद के चुनाव में जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, साथ ही जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी से बात की। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गजेंद्र सिंह ठाकुर। और प्रत्याशी का नाम? अनुराग। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं 7 नंबर वार्ड से, जी, किन मुद्दों को लेकर चल लड़ रहे हैं? हम तो विकास भी है, शिक्षा, मतलब सभी बातें हैं उसमें। तो मतलब क्या क्या विकास नहीं हुई आपके बारे में? कुछ नहीं है, कीचड़ है यहाँ पर। देखो आप दरवाजे फील्ड करके देख लिए, आप खुद अनुमान लग जाएगा कि आप विकास है क्या नहीं। चुनाव आता है तो सब नेता घूमते हैं, और अगर निकल जाता है समय फिर भूल जाती है, सदियाँ बीत गई इसे। आप बीजेपी पार्टी से मतलब बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, मतलब पार्टी ने आपको नकार दिया, उस पर क्या कहना? अब ठीक है भाई, उनकी सोच है, उनको अपन नया आए हैं साहब की समझ में कि जी निकाल पाएंगे, सीटियाँ निकाल पाएंगे, दूसरे लोग आए हैं। और अब आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब वो तो इतने वर्षों से? वो तो आप फील्ड करके देख सवाएंगे, खुद ही एहसास हो जाएगा। कैमरा घुमाओ देखो, यहीं मंदिर के सामने देखो, सीसीजन स्वीकृत है भी कैंसिल हो चुकी हैं, रास्ताएं नहीं हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसी अलग ही से हम व्यवस्था कर रहे हैं, टीवी लगा के पानी की सप्लाई कर रहे, पिला रहे, जितनी बंदे सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार शासन है जब का मतलब है, पराधीन आदमी, हेडपम्प नहीं है यहाँ पर, उतनी ज़्यादा पर्याप्त का है। और यही हाल है, मतलब हितग्राहियों को कोई भी सुविधाएँ मिली आपके गाँव में कि नहीं मिली? किन को? हितग्राहियों को, गरीब जनता को। अब थोड़ी बहुत भली मिली है उसमें, ऐसा ही है काम, इतनी आती पीती सब की वहाँ ले आओ, जैसे जो कछु है, अब उसमें भी काम गड़बड़ होता है। और पता कोई कुटी निकली के 10-10 हज़ार रुपये जाके 20-20 हज़ार इतना रखो, फिर जाने के फिर कर रखा, मतलब करो, अभी गरीब आदमी महंगाई के समय में कहाँ से पूर्ति कर पाए। और प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, उस पर यहाँ आपके यहाँ है स्वच्छ कुछ नहीं है? अब तो कुछ नहीं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।